सच्चे। सच्चे। सकते तू उनके घर की बहू है और तूने हमें बताया क्यों नहीं? मैं नहीं चाहती थी कि जस के ब्याह में कोई भी रुकावट आए। मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। आनी बाहर वालों से पता चले इससे अच्छा तू हमें बता देती और तू चिंता मत कर, जो होना था वो हो गया। मैंनू पता है कोई ना कोई गलत फहमी हुई होनी है जरूर तेरे ससुराल वालों को। तू चिंता मत कर, हम बात करेंगे ना उनसे, सारी गलत फहमी दूर कर देनी है। और तारजी घर के बड़े हैं, समझदार है, वो जरूर समझ जाएंगे, है ना? और तो देखना सब ठीक हो जाना है और उन्होंने ना फिर से तुझे अपना लेना है ना। और परमीत जी तो है ना तेरे साथ, कितना प्यार करते हैं वो तुझे, देखना उन्होंने अपने घर वालों को समझा लेना है आके। हाँ तू बिल्कुल चिंता मत कर। परमीत जी नहीं आएंगे रुचि, कभी नहीं आएंगे, मुझे ले जाने भी नहीं। इसीलिए तो लोगों ने मुझे घर से निकाला। उनका कहना है जब परमीत जी का कोई रिश्ता नहीं रहा उनसे तो मैं क्या लगती हूँ उनकी? मेरे लिए उस घर में कोई जगह नहीं है। उस घर की दहलीज लाने की भी इजाजत नहीं है मुझे। जी, हमारा कोई इरादा नहीं था आपसे कुछ भी छिपाने का। हमें तो खुद को भी नहीं पता था इस बात के बारे में। और रहने दो जी, रहने दो। मैं तो मान ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकता कि आपको पता ही ना हो। अरे बेटी, इतने दिनों से मायके पड़ी हो, ससुराल ना गई हो, तो माँ बाप पूछते नहीं है कि ससुराल क्यों नहीं गई? एक तो आपने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई और ऊपर से सच्चे साबित होने के लिए नाटक कर रहे हैं हमारे सामने। वाहेगुरु जी, सो पैन जी, हमें सच में कुछ नहीं मालूम। ठीक है, एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि आपको सच का नहीं पता, लेकिन इससे ये तो नहीं हो सकता ना कि सच बदल सकता है। और मुद्दा ये नहीं है कि आप लोगों ने छुपाया, मुद्दा ये है कि आप लोगों की बेटी को ससुराल वालों ने उसके घर से निकाल दिया।
और सुनो जी, हम अपने विकास का रिश्ता ऐसी लड़की के साथ नहीं कर सकते जिसकी बहन को उसके ससुराल वालों ने धक्के मार के बाहर निकाल दिया हो। बीबीजी, मेरी बानी के साथ जो भी हुआ उसके लिए अब जस का रिश्ता मत तोड़िए। इसमें जस का क्या कसूर है? रिश्ता सिर्फ जस से नहीं जुड़ रहा, पूरे खानदान से जुड़ रहा है। और आप लोगों के साथ रिश्ता जोड़ के ना हमने समाज में अपनी नाक नहीं कटवानी है। हम भी अपनी बच्ची का रिश्ता ऐसे घर में नहीं करना चाहते। जिनकी सोच इतनी छोटी हो। लो देख लो, उल्टी वार खेत लो खावे। एक तो लड़की वाले और ऊपर से इतनी अकड़। हाँ? खुश है अब? मैंने कहा था ना, अरे फोन पे मना कर देते हैं, पर नहीं, तू तो मानी नहीं। आग लगी हुई थी कि जाकर बात करते हैं। खामखा अपने साथ साथ मेरी भी बेइज्जती करवाई। देखिए बीजी, हमने कोई भी ऐसी बात नहीं कही है जिससे आपकी बेइज्जती हो, लेकिन हाँ, अगर आप हमारी बच्ची की तरफ उंगली उठाएंगे तो जवाब देना हमें भी आता। भलाई इसी में है कि आप यहां से चले जाएं। और रही जस के रिश्ते की बात, तो रिश्तों की कमी नहीं है हम आपसे कहीं ऊंची और अच्छी सोच वाले लोगों के यहां जस का रिश्ता करेंगे। मेहरबानी करके आप जाइए यहां से, जाइए। सत श्री अकाल। चल बब, चल। झटके में मेरे दोनों बेटियों की खुशियां छीन ली तूने रब्बा। भला उन्होंने क्या बिगाड़ा है किसी का? कुछ नहीं बिगाड़ा, और इसीलिए किसी का कोई हक नहीं बनता उनको रुलाने का। अरे, ऐसे कैसे रिश्ता तोड़ सकते हैं वो? कोई मजाक है क्या? सारी तैयारियां हो चुकी है, कार्ड बढ़ चुके हैं, हम बात करेंगे उनसे, उन्हें समझाएंगे। कोई जरूरत नहीं उनसे बात करने की या समझाने की। हम कोई गए गुजरे नहीं है कि उनके सामने जाके नाक रगड़ें। और जस में भी कोई कमी नहीं है कि उसे कोई रिश्ता नहीं मिलेगा। वाहेगुरु ने चाहा तो उसे इनसे भी बहुत अच्छा रिश्ता मिलेगा। बात सिर्फ जस की नहीं है, बानी के बारे में तो सोचो, बानी का क्या होगा? हेलो। हेलो गगन, सुमन बोल रही हूँ। हाँ जी मामी जी। मैंने ये बताने के लिए फोन किया है कि हमने विकास का रिश्ता तोड़ दिया है। ये तो आपने अच्छा किया मामी जी, वो लोग है ही नहीं इस लायक कि उनसे रिश्ता रखा जाए। हाँ वही तो, जब अभी इतना कुछ सामने आ रहा है तो हमने सोचा पता नहीं आगे जाके और क्या क्या सामने आएगा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। वैसे विकास का क्या कहना है इस सब में?
आई होप उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो क्या कहेगा और उसे क्या प्रॉब्लम होनी है? जब बड़ों ने फैसला ले लिया तो वो वही करेगा जो हम कहेंगे, और उससे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा गगन, मैं बाद में बात करती हूँ, मैंने बस यही बताने को फोन किया था। जी मामी जी। मामी जी मैं क्या सुन रहा हूँ? आपने मेरा रिश्ता तोड़ दिया बिना मुझसे पूछे, बिना मुझे बताए। जो भी किया हमने बहुत सोच समझ के किया, और तू चिंता मत कर, बहुत लड़कियां मिल जाएंगी तुझे। लेकिन जिस क्यों नहीं, आखिर उसमें बुराई क्या है? बुराई उसके खानदान में है। ये कैसी बातें कर रहे हो मम्मी जी? जस की बहनों की मैरिड लाइफ चाहे जैसी भी हो, उसका मेरे और जस के ब्याह के साथ क्या लेने देना? लेना देना है। कोयले की दलाली में मुंह काला ही होता है। अच्छी तरह बात को सुन ले और समझ ले, ये रिश्ता वहां नहीं होगा। बात यहीं खत्म। अब इस बारे में कोई बहस या कोई सवाल जवाब नहीं होगा। देख लो, खुद ही देख लो। मैं ना कहती थी ये रज्जी इस कार में रहती जरूर है, पर इसका पूरा ध्यान अपने मायके में। आज भी अपने मायके ही गई होगी। हाँ जी वहीं गई है। लेकिन मेरे से पूछ के गई है ना? तेरे से ही पूछ के जाएगी? मेरे से पूछेगी तो मैं तो मना ही कर दूंगी ना। बड़ी चलाक लड़की है ये। ऐसी बात नहीं है बुआ जी, तुसी मेरी गल समझने की कोशिश। तू तो उसकी वकालत करना बंद कर दे अंकत। सब समझती हूं मैं। जब बुआ जी आपको सब पता ही है तो फिर इस बारे में बात करने का फायदा ही क्या है? वैसे भी आपकी और सोहम की नजरों में रज्जी की कोई कीमत नहीं है, कोई कदर नहीं है आप लोगों को उसकी। तो उसके यहां होने ना होने से क्या फर्क पड़ता आप लोगों को? वैसे भी 10 दिन का टाइम दिया है ना आपने उसे, तो फिर? हाँ 10 दिन दिए, पर इन 10 दिनों में भी वो इस घर की बहू है। इस नाते कुछ फर्ज कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं उसकी, समझे? अजीब। इससे क्या हुआ? परेशान लग रही है तू? कोई बात है तो बता सकती है मुझे, बताना क्या बात है, कुछ तो जरूर है, बोल क्या हुआ, सब ठीक तो है ना वहां पे? कुछ ठीक नहीं है, पता नहीं ये दुखों के बादल हमारे घर से छटने का नाम क्यों नहीं ले रहे। पर हुआ क्या है? वो पानी। पानी? क्या हुआ पानी को? ठीक तो है ना वो? कहीं उस रणदीप ने फिर से? नहीं, वो पानी को उसके ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। क्या? और इस वजह से जस का रिश्ता भी टूट गया। पता नहीं ये सब कब ठीक होगा। जानी मानी और घर वालों का क्या हाल हो रहा होगा।
Just please pick up the call. हेलो जस, जस देख देख फोन मत काटना, एक बार मेरी बात सुन ले प्लीज, एक बार। देख जो हुआ उसमें मेरा कोई दोष नहीं था, मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरे घर वाले ऐसा कुछ करने वाले, उन्होंने मुझसे एक बार पूछा तक नहीं। तो ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? रिश्ता तो टूट चुका है ना, तो फिर अब ये बातें करके क्या फायदा? अब वैसे भी मुझे तुमसे बातें नहीं करनी है। मैंने तुम्हारा फोन सिर्फ ये कहने के लिए उठाया था कि दोबारा मुझे फोन मत करना। जस एक बार मेरी बात तो सुन ले। क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? तुम्हारे घर वाले जो सुना के गए क्या वो काफी नहीं है? और बचा ही क्या है सुनाने को? रिश्ता तोड़ने का भी कोई तरीका होता है, किसी के घर जाके उनकी बेइज्जती करके रिश्ता तोड़ना कहाँ का तरीका है? तुम्हें पता भी है क्या बीत रही है हम सब पे? मेरे कारण तेरा रिश्ता टूट गया। नहीं दीदी, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। उल्टा अच्छा हुआ कि ब्याह के पहले ही हमें उनकी सोच के बारे में पता चल गया। ऐसी छोटी सोच वाले लोगों के घर में मुझे भी नहीं जाना। मुझे माफ कर दो मेरी बच्चियों, तुम दोनों के दुखों का कारण मैं ही हूं ना। मैं बानी का ब्याह एनआरआई से करती और मैं आज ये दिन देखना पड़ता। कसूर आपका नहीं है मम्मी जी, कसूर तो हमारी किस्मत का है। जब किस्मत में खुशी लिखी ही ना हो तो कोई क्या कर सकता है। गलत हुआ हमारी बानी के साथ, उस घर की बहू है ये, इसका हक बनता वहां रहने का, फिर वो लोग इसे निकाल कैसे सकते हैं? गलत तो किया है उन्होंने, लेकिन हम गलत नहीं होने देंगे अपनी बानी के साथ। हम पूछेंगे, बात करेंगे उनसे और अपनी बानी के हक के लिए लड़ेंगे हम लोग। बिल्कुल सही कह रहे वीर जी आप, बानी को उसका हक, उस घर में उसकी जगह हम दोनों दिला के रहेंगे, और वो भी पूरी इज्जत और सम्मान के साथ। उन भुल्लरों को अपना फैसला बदलना होगा। अंबानी पुत्र, चल तू अपना सामान बांध ले, अभी चलेंगे तेरे ससुराल और चल के बात करते हैं उनसे। चल आजा पुत्र, आजा पुत्र, आजा। इस वक्त कौन हो सकता है?